मैं 1.5 से 2 मिनट भी न चल सकता था और न 1.5 से 2 मिनट न मैं खड़ा रह सकता था। मैं अब जो पहले 1.5-2 मिनट खड़ा नहीं रह सकता था उसको मैं खड़ा रह सकता हूँ और मैं 15-20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट आराम से चल सकता हूँ। यानी मेरी ज़िंदगी के अंदर जो पेन था वो पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं आराम से चल भी सकता हूँ आराम से और खड़ा भी रह सकता हूँ। मुझे कोई तकलीफ अभी सर्जरी के बाद नहीं है। जी, मेरा नाम रेवासी जकवान याकूब भाई है। एक्चुअली मैं हिम्मतनगर के करीब 5 किलोमीटर पर एक गांव है पानपुर करके, वहां पर रहता हूं। एक्चुअली हुआ ऐसा कि 2012 के अंदर फर्स्ट टाइम मुझे बैक पेन हुआ, तो बैक पेन के कारण फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं एक मरतबा एक वजन उचक रहा था तो उचकने की वजह से मैं अपनी जगह के ऊपर बैठ गया। फिर 2-4-5 मिनट एकदम रिलीफ होने के बाद खड़ा हो गया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2012 गया, 2013-14 के अंदर फिर ऐसा होता था कि साल में एक मरतबा में कमर के अंदर मुझे पेन होता था। तो जब पेन होता था तो ऐसे ही रेगुलर जो पेन क्लियर है उसको टैबलेट वगैरह लेकर उससे मुझे रिलीफ हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मुझे साल में 2 मरतबा कमर बैक पेन हुआ। फिर जैसे 2017-18-19-20 के अंदर साल में 4-5-6 मरतबा मुझे बैक पेन होता रहा। लास्ट टाइम 2020 और 2021 के अंदर ऐसा हुआ कि बैक पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो मेरा लेफ्ट पैर है यानी बाया पैर, वो मुझे एकदम सुन सुना हो गया। सुना ऐसा हुआ कि पहले मैं 10-20-25 मिनट आराम से चल सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तकलीफ़ ऐसी हुई कि मैं लास्ट जब ये डॉक्टर हितेश पटेल लिविल हॉस्पिटल के अंदर दिखाने आया, उस वक्त मेरा ये पोजीशन था कि मैं 1.5 से 2 मिनट भी न चल सकता था और न 1.5 से 2 मिनट न मैं खड़ा रह सकता था। तो ये मुझे, और उसमें ये होता था कि 24 घंटे बिजनेस में जाओ फिर भी, या सामाजिक कार्यक्रम में जाओ फिर भी, या फिर स्पॉट में जाओ फिर भी, किसी शादी ब्याह में जाओ फिर भी, वो 24 घंटे उसी पेन के अंदर और उसी दर्द के अंदर ध्यान रहता था, जिसकी वजह से किसी भी काम में लगाव नहीं आता था। तो फिर आखिर मैंने ये जजमेंट लिया ये डॉक्टर का एड्रेस मिलने के बाद कि अब उसका ये सर्जरी करवाना है। ये लिविल हॉस्पिटल का फर्स्ट टाइम मुझे जो एड्रेस मिला तो मेरे एक बहनोई हैं इरशाद भाई विजयपुरा करके, जिनका माउंट आबू के अंदर फूड इन रेस्टोरेंट है। तो लिविल हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वहाँ पर जाकर आया हुआ, उन्होंने देखा है। तो उनको भी सेम तकलीफ जो मुझे हुई है, उनको भी 2 साल पहले ये तकलीफ हुई थी। तो उनको वो एड्रेस मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पर सर्जरी करवाई। तो सर्जरी करने के बाद उन्होंने मुझे इसका बताया कि आप चाहे ये जो आपको तकलीफ है, चाहे 2-3 साल आप टेबलेट लोगे, लेकिन उसके अंदर राहत नहीं होगा। सर्जरी के बगैर ये पेन जो है ख़त्म नहीं होता, डॉक्टरों का कहना ऐसा है। तो उनके मेरे बहनों ने बताने के बाद मैंने कहा कि चलो आप डॉक्टर से बात करो तो अपने दिखाने जावे। तो मैं सारी तैयारी के साथ 4 अक्टूबर 2021 को पीर के दिन सारी तैयारी सर्जरी की तैयारी के साथ ही हम यहाँ आ गए थे। MRI वगैरह का जो रिपोर्ट था वो सारा का सारा करवा के आ गए थे। डॉक्टर हितेश पटेल को बताया, बताने के बाद हमें एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद जो शाम 5:30 बजे मेरा ये सर्जरी थी, तो सर्जरी तकरीबन 1 घंटे की सर्जरी हुई। सर्जरी करने के बाद जब मैं अपने रूम के अंदर आया तो उसी वक्त मेरा जो बाया पैर सुनसुना था, तो जो झनझनाहट आ रही थी और चल नहीं सकता था, तो मेरा ये पूरा पैर एकदम फ्री हो गया था। गोया कि मेरे पैर के अंदर कभी दर्द ही नहीं हुआ। यानी मतलब ऑपरेशन थिएटर के बाहर आने के बाद ही ये मुझे रिलीफ महसूस हुआ। एक्चुअली 4 अक्टूबर से आज 15 दिन मेरे सर्जरी के हो गए। तो उसके बाद ये है कि मैं अब जो पहले 1.5-2 मिनट खड़ा नहीं रह सकता था उसको मैं खड़ा रह सकता हूँ और मैं 15-20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट आराम से चल सकता हूँ। यानी मेरी ज़िंदगी के अंदर जो पेन था वो पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं आराम से चल भी सकता हूँ आराम से और खड़ा भी रह सकता हूँ। मुझे कोई तकलीफ अभी सर्जरी के बाद नहीं है। अगर मेरे जैसा जिनको बैक पेन है या पैर पूरा सुनसुना रहता है,
वो चल नहीं सकते या खड़े नहीं रह सकते, लेडीज़ में खड़े खड़े किचन में काम नहीं कर सकते, या कोई एक्चुअली जो काम करने वाला होता है, बिजनेस करने वाला होता है, तो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, तो उनका मुझे ये कहना होगा कि जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पेन मैनेजमेंट, जैसे लिवेल हॉस्पिटल के अंदर पेन मैनेजमेंट का काम होता है डॉक्टर हितेश पटेल, तो फिर क्या है, उनको यही काम करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह सूचन के मुजब क्या है उनको आगे बढ़ना चाहिए। और उससे क्या है, सर्जरी, बहुत सारे लोग जैसे कि मैं सर्जरी से डरता था, एमआरआई से भी डरता था, तो एमआरआई भी एक आसानी से एमआरआई भी हो गई और मेरी सर्जरी भी आराम से हो गई। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि न एमआरआई से डरने की ज़रूरत है, न सर्जरी से डरने की ज़रूरत है, आप बगैर डरे हुए सर्जरी भी करा सकते हैं, बगैर डरे हुए एमआरआई भी करा सकते हैं, आपका पेन बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक नई ज़िंदगी का मोड़ मिलेगा। जी, लिवेल हॉस्पिटल मेमनगर, ये जो हॉस्पिटल है उसके अंदर डॉक्टर के अंदर में जो नर्सिंग स्टाफ हैं, मेडिकल स्टाफ हैं या जो मैनेजमेंट स्टाफ हैं, तो मैनेजमेंट स्टाफ के हिसाब से मेरा ये रिव्यू रहा और उनके साथ उनका जो बिहेवियर है, यानी पेशेंट के साथ आने के साथ उनको अजनबियत महसूस नहीं होती। सबसे पहले होता है कि हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो ये जब आने के साथ हॉस्पिटल के अंदर एक अजनबियत महसूस होती है, कहाँ आ गए, किसको पूछना है, क्या करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। आने के फौरन बाद स्टाफ उनके पेशेंट के पीछे लग जाता है और पूरी रहबरी और पूरी गाइडलाइन देता है कि आपको यहाँ पर केस फाइल करवाना है, इतनी फीस है, फिर आने के बाद आपको डॉक्टर को दिखाना है, दिखाने के बाद अगर सर्जरी है तो आपका ये रूम नंबर है, आपको यहाँ रहना है, अगर आपको ये ज़रूरत है तो उनसे मिलिए, ये ज़रूरत है तो उनसे मिलिए। मतलब एक रात, एक नाइट जो सर्जरी की नाइट थी, यहाँ पर रुके तो तकरीबन रात को 2-3 बजे मुझे खाने की ज़रूरत हुई, तो उस वक्त खाना गर्म करने की ज़रूरत पड़ी, तो स्टाफ नींद में से उठकर इस तरीके से हमारे साथ वर्तन किया गोया कि वो सोया ही नहीं है और फौरन हमें खाना गर्म करके उसने दे दिया। मतलब स्टाफ बहुत अच्छा है और उनका पेशेंट के साथ जो वर्तन है और पेशेंट के साथ जो उनका लगाव है और पेशेंट की जो गाइडलाइन है वो बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो मैं अपने गॉड, अपने भगवान और अपना अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने ऐसे इंसान को पैदा किए हैं कि जो इंसान की तकलीफ़ों को दूर करना जानते हैं और उनका एक, ये समझ लो कि एक उनका हुनर है। तो इसी तरीके से ये पेन मैनेजमेंट और ये जैसे बैक पेन है उसके अंदर जो होता है, तो डॉक्टर हितेश पटेल को हमने दिखाया तो उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अच्छी तरीके से हमारी ट्रीटमेंट की। और इसी तरीके से स्टाफ का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छे व्यवहार और अच्छा हमारे साथ सलूक किया, अच्छा व्यवहार किया, तो हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं।